Start with the gracious name of Allah Almighty who is Rahman and Rahim. So students, very warm welcome on Adler's Academy. Khush Amadeed kehta hu aapko Adler's Academy mein. Students, the lecture which we are going to discuss is Little Things by Julia Carney. तो स्टूडेंट्स आज हम इस पोएट्री का उर्दू तर्जमा भी पढ़ेंगे और साथ में इसकी अबाउट द पोएट समरी स्टेंजा एक्सप्लेनेशन एंड सेंट्रल आइडिया की तरफ हम नज़र दौड़ाएंगे। जूलिया कार्ने का पूरा नाम जूलिया एबिगेल फ्लेचर कार्ने था। शी वॉज एन अमेरिकन पोएट। जूलिया एबिगेल फ्लेचर कार्ने वॉज एन अमेरिकन एजुकेटर पोएट ऑथर एंड एडिटर। रिमेंबर फॉर हर पोएम्स लिटिल थिंग्स जानी जाती हैं पहचानी जाती हैं अपनी एक मखसूस शायरी जिसका नाम है लिटिल थिंग्स। मैनी ऑफ हर पोएम्स वर सेट टू द म्यूजिक एंड पब्लिश्ड इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स। तो उनकी बहुत सारी नज़में जो हैं वो स्कूल टेक्स्ट बुक में पब्लिश हो चुकी हैं जो कि बच्चे पढ़ते हैं और उनकी खासियत यही है कि वो इतनी अपीलिंग पोइट्रीज उन्होंने लिखी हैं कि जो कि स्कूल की टेक्स्ट बुक में शामिल की गई हैं। एंड यूज द चर्च हाइम बुक्स फॉर मोर देन हाफ अ सेंचुरी। तकरीबन 50 साल तक उनकी लिखी गई जो हाइम्स हैं यानी कि ऐसे नगमे हैं जो कि चर्च में गाए जाते हैं कैसी जिनको हम नात कह लें उर्दू ज़बान में जो चर्च में पढ़ी जाती हैं जो कि किताबों में लिखी गई हैं वो तकरीबन 50 साल तक पढ़ी जा चुकी हैं। बॉर्न अप्रैल 6, 1823 लैंचेस्टर मैसेचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स। डाइड ऑन नवंबर 1, 1908 गैल्सबर्ग इलिनेस यूनाइटेड स्टेट्स। उनके 8 बच्चे थे और उनकी फेमस किताब जो थी वो थी लिटिल थिंग्स। तो लिटिल थिंग्स की समरी के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि शायरा जो है हमें क्या बताना चाहती है। दिस शॉर्ट पोएम शोज सेंसिटिव अप्रोच ऑफ द पोएटेस टू द लिटिल थिंग्स। द पोएटेस इनवाइट्स अवर अटेंशन टू इम्पॉर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स। शी सेज दैट लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक अ माइटी ओशन। वेरी फास्ट vast and helpful land are made of little grains of sand. Similarly, very short moments of time make endless ages. We should treat others with kindness and love. We should speak with others gently because our little words of love and little acts of sympathy and kindness can make our world garden of paradise. तो ये मखसूस जो छोटी सी नज़म है हमें बताती है हमारी जो है वो तवज्जो दिलाती है इस तरह कि शायरा हमें ये बताना चाहती हैं कि इंसान किस तरह जो है अपनी छोटी छोटी चीज़ों से अपनी ज़िंदगी को जन्नत बना सकता है। तो वो कहती हैं कि छोटे छोटे पानी के कतरे एक बहुत बड़ा समुंदर बनाते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि कतरा कतरा दरिया बनता है, पीन जो है वो छोटे छोटे यानी अगर हम देखें कि ये आबशार हैं ये खूबसूरत जन्नत नुमा नज़ारे जो है वो किस तरह तख्लीक किए जाते हैं, वो इस तरह ही तख्लीक किए जाते हैं कि छोटे छोटे ज़र्रात मिलके मट्टी के कंकर के और दरख्तों के छोटे छोटे झुंड मिलकर एक खूबसूरत जो है वो वादी को तख्लीक देते हैं। और वो छोटे छोटे ज़र्रात अगर ना हों तो फिर वो वादी भी तख्लीक ना पा सकेगी। और इसी तरह ही वो जो है कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हमारी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हैं। वो यही कहती हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो हमारी छोटी छोटी लम्हात हैं वो इसी तरह ही खूबसूरत होते हैं अगर हम उनको बेहतर बनाते हैं। किस तरह अपनी हमदर्दाना लहजे से प्यार से मोहब्बत से हुस्न अखलाक से इसी तरह ही हम छोटे छोटे अल्फाज जो कि हमारे मोहब्बत भरे अल्फाज होते हैं हम दूसरों के साथ बात करते हैं वही हमारे अल्फाज वही हमारी जो है वो हमदर्दी वही हमारी प्यार और मोहब्बत हमारी ज़िंदगी को जन्नत का हिस्सा बना देती है। तो चलते हैं इसके स्टेंजा वन के एक्सप्लेनेशन की तरफ। इन दीज लाइन पोएटेस टेल्स दैट द ड्रॉप ऑफ वाटर सेपरेटली हैव नो इम्पॉर्टेंस बट व्हेन दे आर टुगेदर दे मेक अ बिग एंड पावरफुल ओशियन। इन द सेम वे दिस ब्यूटिफुल लैंड आवर इज मेड बाई स्मॉल ग्रेन्स ऑफ सैंड। पोइटिस जो है वो हमें बताती है कि छोटे छोटे ज़रात अगर अलहदा अलहदा हों तो इनकी कोई अहमियत नहीं है लेकिन अगर ये एक साथ मिल जाएं तो ये एक बड़े जो है समुंदर को तख्लीक देती हैं। इसी तरह ही हमारे ज़मीन जो है खूबसूरत ज़मीन ये छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनी है। स्टेंजा टू एक्सप्लेनेशन पोइटिस सेज इन दिस लाइन दैट इफ़ वी स्पीक स्मॉल वर्ड्स ऑफ सिंपथी एंड लव डू लिटिल वर्क ऑफ काइंडनेस इट इज़ श्योर दैट दिस वर्ल्ड विल बी as peaceful as pleasant as garden of paradise named Eden. तो एक वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे Eden का मतलब है कि जन्नत का बाग।
ठीक है। तो शायरा सेकंड स्टैंजा में ये बताने की कोशिश करती हैं कि हमारे छोटे छोटे अल्फाज, हमारे छोटे छोटे काम जो हैं हमदर्दी के, वो हमारी इस दुनिया को ऐसे खूबसूरत बनाते हैं, ऐसे अमन पुरअमन बनाते हैं, ऐसे खूबसूरत लम्हात में तख्लीक कर देते हैं जैसे कि जन्नत में होंगे। या जन्नत की एक मिसाल देकर उसने कहा कि जिस तरह जन्नत के बाग में खूबसूरती होती है, इसी तरह ही हमारी ज़िंदगी में भी जन्नत की तरह खूबसूरती आ जाएगी। तो इसके कुछ सवाल हैं इम्पोर्टेंट, जिनकी तरफ हम नज़र दौड़ा लेते हैं। तो पहला सवाल जो है वो ये कहता है, व्हाट डू लिटिल एरर्स मीन, कि छोटे छोटे जो गलतियां हैं उससे क्या मुराद है। लिटिल एरर्स मीन स्मॉल मिस्टेक्स, छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं ज़िंदगी में, लोगों से लड़ना, झगड़ना, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, किसी का कहना ना मानना, अपने वालिदैन की जो है वो नाफरमानी करना, यही छोटी छोटी गलतियां हैं जो इंसान करता है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू लिटिल एरर्स लीड अवर सोल अवे, किस तरह जो है वो छोटी छोटी गलतियाँ हमारे से हम जो है वो हमारे ज़मीर को मुर्दा करती हैं और वो हमसे हमारी खुशी छीन लेती हैं। वैन वी डू लिटिल एरर्स we slowly start doing bigger ones and later we find ourselves in sadness, anger, greed, etc. which lead us away from goodness. तो इसी तरह ही हम जो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं वो आगे चल के बहुत बड़ी गलतियों में तब्दील हो जाती हैं, लापरवाहियों में तब्दील हो जाती हैं, और जो हमारी मुस्तकिल अफसुर्दगी का सबब बनती हैं, गुस्से का सबब बनती हैं, लालच का, और वजाहत करती हैं वगैरह वगैरह चीज़ों की। तो इसी तरह ही वो हमसे हमारी अच्छाइयाँ छीन लेती हैं। नंबर 3 सेज, व्हाट आर पैथ्स ऑफ वर्च्यू, के सच्चाई के रास्ते कौन से हैं। पैथ्स ऑफ वर्च्यू आर वे ऑफ गुडनेस, मोरालिटी, गुड क्वालिटीज लाइक काइंडनेस, पेशेंस, चैरिटी, ह्यूमैनिटी, ह्यूमिलिटी एंड एटीसी। तो अच्छाई के रास्ते यही हैं कि जो है इंसान में ये खूबियाँ हों कि वो रहम दिल हो और सब्र करने वाला हो, सखी हो, ठीक है, और इसी तरह ये गनी भी हो, ठीक है, और लोगों की इज्जत करने वाला हो। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज सिन लीड अस टू स्ट्रे, किस तरह हमारे जो है वो गुनाह जो है हमें तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। वैन वी सिन, जब हम गुनाह करते हैं, वी हर्ट अदर्स बिकम बैड, ठीक है, हम दूसरों को रंजीदा कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। आवर माइंड एंड सोल गेट्स पोल्यूटेड विद बैड थिंग्स विच लीड अस टू स्ट्रे एंड गो फॉर फ्रॉम गॉड। इसी तरह ही जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो वो हमारी रूह को आलूदा कर देती है, हमारी रूह को जो है वो दागदार बना देती है और हमारे ज़मीर के ऊपर एक ऐसा धब्बा लगा देती है जो कि कभी भी नहीं मिट सकता, और यही हमें तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी इस लेसन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि समरी की शक्ल में, एक्सप्लेनेशन की शक्ल में, और पोइटिस की बायोग्राफी मैंने आपसे शेयर की। अगर फिर भी इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।